भाई वापसी आ चुकी है, आप देख रहे होंगे, बट एक थोड़े से नए अवतार में यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके अंदर 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स डाल दिए गए हैं प्रॉपर। भाई ये टॉप वेरिएंट भाई है जो हमने आज से 2 से 3 महीने पहले सेल आउट कर दी थी। भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज यहाँ पे पड़ी हुई है। भाई देखो, शीशा हो गया अपना, रिफ्लेक्टर्स हो गए, यहाँ स्पीकर वगैरह हो गए, और मतलब पूरा लाइट वाइट पूरा सिस्टम है। तो आप घूम के जाओगे तो आप एक चीज पाओगे कि यार ये गाड़ी है तो अरुण भाई की Z8L, पर नंबर थोड़ा सा अलग है भाई, BR नंबर है। और ये पूरी कहानी है भाई कि ये गाड़ी हमारी बिहार से आई है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अपनी वाली है ना उसका भी नंबर चेंज हो चुका है। तो जैसे जो H38Z1144 हुआ करता था ना, कंपनी वाले 2000 रुपये में हरियाणा में नंबर बदल जाता है। अब मैं उस नए नंबर को तो क्या ही बताऊँ भाई, अब उनकी श्रद्धा उन्होंने बदलवाया है। आपको पता है रीज़न, क्योंकि आगे कल को तभी बिक पाएगी जब वो बदल देंगे। तो ऐसे नंबर चेंज हो जाता है बड़े प्यार से। खैर, ये बिहार की गाड़ी आई है भाई, और ये कौन सा वेरियंट क्या है उसके बारे में थोड़े सा बात करते हैं। चलो ये गाड़ी बेस मॉडल है। जी भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल बेस वेरिएंट है ये, जिसको कहते हैं Z2। इस गाड़ी को बेस टू टॉप बनाया गया है। आ जाओ एक बार भाई, जो इसके ओनर हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। सुनाओ सर, कैसे हो? ये बिहार के रहने वाले, कहाँ से आए हो आप? बिहार पटना। क्या रीजन रहा कि दिल्ली में इतनी दूर आप इसको लेके आए हो? वहाँ मॉडिफाई का सब सामान बिहार में अवेलेबल नहीं है। तो ये बेस वेरिएंट है जो निक्कू भाई बता रहे हैं, Z2। कितने का खरीदा आपने ये? 16.5। 16.5 में डीजल है, मतलब ये 4x2 नॉर्मल वाला 130 bhp निकालता है। इसमें पावर कम आती है बेस वेरिएंट में, और इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी हाइड्रोलिक। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जैसे बिहार में 16.5 लाख रुपए आपने इस गाड़ी के लिए पे किए हैं, तो वेटिंग कितनी है इस गाड़ी की फिलहाल? वेटिंग 6 महीना वहाँ पे वेटिंग है। 6 महीने में मिल जाती है 16.5 लाख रुपए में इतनी बड़ी गाड़ी? मतलब 16.5 में आप और भी चीजें ले सकते थे, यही क्यों लिया आपने स्कॉर्पियो? ऐसा गाड़ी था, 7 सीटर था, इसके चलते लिए। 7 सीटर चाहिए बिहार में भाई, थोड़ा सा स्कॉर्पियो की अलग ही थोड़ी सी पहचान, अलग ही थोड़ा सा रुतबा रहता है, ये चक्कर है। ठीक है सर, तो आप निक्कू भाई के पास आ गए सामान लगवाने के लिए। तो निक्कू जी, अब आप बताइए हमको, जैसे सर आए हैं पटना से, कैसे दिल खुश करके भेजोगे आप? बिल्कुल दिल खुश है। मैं Z2, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि Z8L में कन्वर्ट हो गया। अभी तो लग रहा है कोई पता नहीं कर पाएगा। तो जैसे कोई स्कॉर्पियन लेता है तो क्या क्या मॉडिफिकेशन अवेलेबल है, कैसे वो टॉप बनवा सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। टॉप मॉडल वाली हेडलाइट, इसमें प्रोजेक्टर आता है, बेस मॉडल में देखिएगा हैलोजन आता है। ये ओरिजिनल महिंद्रा की है? ओरिजिनल महिंद्रा की है। प्राइस इसका 25,500 दोनों पेयर का, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ब्रांड न्यू 25,500 की लाइट यार, इसकी तो सोनेट वोनेट क्रेटा सिर्फ सस्ती लाइट है। बिल्कुल। इसके बाद ग्रिल भी चेंज हुई है इसमें, है ना, क्योंकि बेस में नॉर्मल वाली ब्लैक आती है, ब्लैक आता है, तो ये छल्ला चेंज होता है। छल्ला चेंज होता है मतलब? जैसे ग्रिल कंपनी का ही होता है, बेस मॉडल का, कंपनी से टॉप मॉडल देखो तो इसका जो ब्लैक आता है ना, सिर्फ एक पीस चेंज होता है, खुल के पूरी ग्रिल चेंज नहीं होती, पूरी चेंज नहीं हो पाती है। अच्छा, तो क्या कुछ खर्चा इसमें बैठता है? 2800 रुपए का, क्रोम ओरिजिनल कंपनी का ही रहता है। अच्छा, आगे इसमें DRL और फॉग लाइट भी डलती है भाई। ये मतलब Z2 वाले ही नहीं, Z4 हो गए, Z6 हो गए, ये सब के लिए सब एप्लीकेबल है ना। तो हम उस हिसाब से प्राइस की बात करते जाएंगे। ये DRL और फॉग लाइट कितने की? दोनों 13,000 रुपए की बैठती है भाई। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपने लगाया है भाई, ये ओरिजिनल सेंसर है? ओरिजिनल सेंसर महिंद्रा, जैसे आप सोचोगे Z8L में जो कंपनी से लग के आता है वो वाला सेंसर, लेकिन सेंसर महिंद्रा का जो यूनिवर्सल होता है, कोई भी गाड़ी में लगा सकते हो वो सेंसर है। तो वो एक्टिवेट कैसे किया फिर अंदर भीतर? उसका है, डब्बी है। चलो वो भी दिखाएंगे भाई अभी चल के। ये एक्टिवेटेड है टोटली कंप्लीट? बिल्कुल सारा। अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें मैं देख रहा हूँ 360 डिग्री कैमरा भी लगा है। हाँ। तो यार ये यहाँ पे आता है टॉप वेरिएंट में, तो मेरे को लगता है हमने ट्राई भी करी है इसमें लगाने की। यहाँ पे आता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि इसका व्यू प्रॉपर आ रहा है। यहाँ पे अजीब सा लग रहा था, पर वही है कि ये थोड़ा सा अजीब लगता है, भद्दा सा निकला हुआ। कंपनी वाला आता तो फिटिंग के साथ आता है, वो अंदर होता तो अलग फिनिशिंग आता है, इसका यहाँ पे नहीं आ पा रहा था इसलिए यहाँ पे लगा। और नीचे की साइड ये भी आपने इसमें कराया? पेंट नहीं आता, मैट आता है, जैसा ऐसा है ना, सिल्वर आता है टॉप मॉडल में, तो हमने इसमें चारों साइड से इसका सिल्वर किया गया है। जिनको ऑप्शन है कि अगर आप हेडलाइट इतना कॉस्टली भी नहीं चेंज कराते हो तो आप LED लगा सकते हो। ये रूफ रेल कितने की है भाई? ये ओरिजिनल है महिंद्रा की? महिंद्रा के जेन्युइन है। क्या कुछ रेट है इनका? 6,600 रुपए ओरिजिनल महिंद्रा की। ये चिपकती है कैसे? नहीं, होल होके लगता है इसका, वो ड्रिल मशीन से। ड्रिल मशीन से होता है, और देख सकते हो कि कोई चिपकने वाला आइटम है, ये देख लो भाई। और ये इसकी जो ये विंडो क्रोम गार्निश, ये भी ओरिजिनल है। ओरिजिनल की निशानी होता है कि जैसे आपका कंपनी से आता है ब्लैक कलर का, उसको हटा के लगाया जाता है, यानी कि इसको ऊपर चिपका दे, जो उसके ऊपर चिपकता है वो ऑटो मार्केट होता है। सारा काम इसमें महिंद्रा का जेन्युइन किया, तो ये ओरिजिनल महिंद्रा का हैंडल है, आता ओरिजिनल, इसको पेंट करवाना पड़ता है, जैसे आपका ब्लैक कलर है कोई भी कलर है, 4,000 रुपए का। उससे पहले चाहिए, इसका फुटप्रेस भी है ओरिजिनल महिंद्रा का है, 6,500 का। सारे मेरे ख्याल से ओरिजिनल चीज करा है, कुछ ऑटो मार्केट हुआ ही नहीं है। अलॉय जो है 18 इंची है, अलॉय का 18 इंची का कॉस्ट जो है मात्र 55,000 रुपए है, और 17 इंची का कॉस्ट 48,000 रुपए। अलॉय अलॉय के टायर समेत? अलॉय अलॉय का,
ओके 55,000। हाँ टायर तो ये ना कि कस्टमर का अपना डिमांड होता है, मुझे कौन सी कॉमा डलाना है क्या डलवाना, तो यहाँ आने के बाद होता है। और इसमें एक चीज और देखो भाई, इसमें थार वाले टायर डाले हैं हमारे वंडर 80 जिसकी प्रोफाइल रहती है 255/65 R18 की। इसमें आराम से आपको ब्रांडेड टायर्स मिल जाते हैं, हमारे टाइम भी चाइनीज मिले थे, बस क्या करें भाई 18 के बाद चाइनीज ही रहते हैं। 18 तक तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो, कोई नहीं कह सकता यहाँ पे खड़ा हुआ अभी कि 16.5 लाख रुपए की गाड़ी है। करोल बाग में कोई कह सकता है निकू भाई? नहीं कह सकता भाई, नहीं कह सकता। तो ये यार ये तीन पीस में आती है भाई, ये तीन पीस में आता है, ये वाला पीस पकता है। आओ पीछे एक साइड आओ, पीछे भी भाई ये गाड़ी आप देखोगे बिल्कुल टॉप ब्रांड जैसी लग रही है, क्योंकि इसके अंदर भाई ने यहाँ पे ये भी एक्टिवेट कर दिया है वाइपर। इसमें तो ग्लास चेंज नहीं होता? नहीं इसमें ग्लास चेंज नहीं होता, वर्किंग के साथ है, कि इसमें डमी भी लगता है, हमने जो लगाया वर्किंग के साथ लगाया है। अच्छा मतलब चलता है ये? चलता है। चला के दिखाओ एक बार, क्या बात है भाई ये देखो फंक्शनल। और इसमें पिचकारी भी आती है, पिचकारी पहले से ही आती है भाई? इसमें होता है सब कुछ, पाइप डालना पड़ता है इसका जो है, इसका शीशा चेंज करना पड़ता है, इसमें क्रेटर साइड उसमें करना पड़ता है ना, उसमें शीशा चेंज करना, इसलिए तो कॉस्टली होता है यार। शीशे से ही पता चल, इस वाइपर से पता लगता है टॉप मॉडल है बेस मॉडल है यार, उसमें भी लगा दो गरीब सी गाड़ी में। अवेलेबल नहीं है क्या? इसका पार्ट मंगवाना पड़ता है, सेल्टोस का अवेलेबल हो जाएगा, 46 सीट है, सेल्टोस का आप लगवा ही नहीं रहे हो। और नहीं वाइपर का बताओ मेन, तो बाहर से वो वाली लुक आती है। और ये कैमरा वैमरा इसमें लगा, ये इसमें व्हाइट बटन कैसे है, ये व्हाइट कलर का? ये जो व्हाइट है ना जो पेंट पे, मैंने क्या बोला इसका मैट ब्लैक आता है, तो मैंने इस पे पेंट पे दिया हूं, तो इसके कलर ने इससे मैच करके कर दिया। अच्छा ओके, पर ये अभी वर्किंग थोड़ी ना होंगे? वर्किंग नहीं है। ओके ये यहां पे पीछे रिफ्लेक्टर लगे हैं, इसमें क्रोम नहीं आता है, टोमरो ने क्रोम आता है, क्रोम है महिंद्रा का जर्मन रियर गार्ड है। इसके अलावा सिर्फ टेल लाइट चेंज है, जो टॉप ओनर में टेल लाइट आता है तो इसका इंडिकेटर मैट्रिक्स में होता है, खर्चा करना कोई तुम इसका बिलिंग है, बाकी सेम चीज होता है, तो ये नहीं चेंज है। इन वीडियोस को बनाने का मेन मोटिव हमारा ये रहता है कि मार्केट में आपको बताया जाए क्या चीज अवेलेबल है, मतलब महिंद्रा को खुद भी नहीं पता होगा कि ऐसे ऐसे भी हमारी गाड़ी चेंज हो सकती है। इसको खोलूंगा मैं पूरी प्रॉपर 7 सीटर, जिन भाई को यकीन ना हो पूरे पार्ट्स इसके यहाँ पे खुले हुए रखे हैं, जैसे इंडिकेटर से लेके भाई निकू भाई क्या क्या चेंज किया है, इतना छोटर मोटर सारी चीज, स्टीयरिंग कंट्रोल से लेकर ये अंदर, अभी इंटीरियर में तुम चलेंगे भाई ये छोटा मोटा तो यहाँ पे पूरा रखा है। ये रिफ्लेक्टर इसके इस तरीके से आते हैं, जो कि अब चेंज होके कुछ इस तरीके के हो चुके हैं। स्पीकर स्पीकर ये कौन, बोस के स्पीकर है क्या? नहीं महिंद्रा का जो निकला हुआ, जो महिंद्रा के ओरिजिनल आते हैं। ये बोस कैसे लुक आ रही है इनमें, बड़े भी हैवी भी हैं, अरे तो बढ़िया मैग्नेट वैग्नेट बड़ी है इनकी। पर इसमें चेंज किया आपने? हाँ। बेस ब्रांड में देती है कंपनी स्पीकर? स्पीकर स्टूडियो दोनों देती है। पीछे का इनर हैंडल भी चेंज है, मैट आता है, स्पॉइलर नहीं आता है, स्पॉइलर हमने लगाया। डिग्गी भी आपने लगाई है क्या? नहीं डिग्गी नहीं, वाइपर लगाया है, ठीक है कुछ तो दे देती है कंपनी, स्पॉइलर हमने लगाया। ये सब ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। चलो भाई ये हो गए बाहर बाहर से पूरी बात गाड़ी की, और अब चलते हैं भाई मेन इंटीरियर में। सबसे पहले तो एम्बिएंट लाइट के डिजाइन देखो, ये बिहार वाला टच थोड़ा तो आना चाहिए भाई, इसे कलर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ये डिजाइन चेंज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, जैसे अभी ये चल रहा है सिंगल कलर लेना है, कुछ भी लगना हो सकता है। ओके फिर ठीक है भाई, ये देखो पूरा इंटीरियर भाई ने मैच कर दिया है, अब कोई क्यों ना कहे इसको पूरा का पूरा टॉप मॉडल यार। इसमें जो है ना सॉफ्ट टच भी है, ये पेंट किया हुआ चीज नहीं है, मार्केट में क्या कि उसी जो निकलता है उसको पेंट करके लगा देते हैं, वो नहीं है। पियानो महिंद्रा का जर्मन लगा, स्विच भी महिंद्रा का जर्मन है, इसके बाद इनर हैंडल भी है, ग्रैब हैंडल भी, सारा चेंज है, सब कुछ ही बदल डाला। अभी मैं कह रहा हूँ कोई डोर से भी देख के थोड़ी बता सकता है, देखना चारों पावर विंडो कर दी है पूरा सिस्टम, और ये जो ORM से ये भी फोल्ड एंड फोल्ड हो रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर, जैसे स्विच आते हैं इसमें बेस वेरिएंट में थोड़ी ना आते हैं भाई, बेस मॉडल में नहीं आता कुछ भी, ठीक है स्विच भी नहीं आता, आपने देखो मैट वाला स्विच आता है, नहीं स्विच आता, सारा पियानो के साथ जो सेटअप है जो टॉप मॉडल में आता पूरा किया गया। चलो भीतर बैठता हूँ भाई अब गाड़ी के अंदर, ये तो डोर का हो गया मस्त वाला काम, लेकिन उससे पहले भाई चार चांद गाड़ी में लगा दिए निक्कू भाई ने, लेकिन भाई एक खुशबू वाली चीज रह गई है बस, एक उसके लिए यूज में लेते हैं हम लोग इन्वॉल्व मस्क के ये वाले परफ्यूम्स, इससे बेटर कुछ भी नहीं है भाई। भाई इसकी फ्रेग्रेंस को हम बढ़ा घटा भी सकते हैं, मतलब इतनी लाजवाब महक है ना, कस्टमर आके खुद मांगते हैं ना भाई इन्वॉल्व के परफ्यूम आपके पास, इतनी हैवी डिमांड में रहते हैं और आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं कई बार। तो अगर आपको भी अपनी गाड़ी में मस्त महकानी है, 7 सीटर ऐसे पूरी गाड़ी महक जाए, तो involversense.com पे जाकर अभी खरीदिए अपनी गाड़ी के लिए ये बेस्ट परफ्यूम्स। ये वाला स्पिल प्रूफ है, बिखरता बिखरता नहीं है, स्प्रे वाला भी आता है, लेकिन जो भी मेरी तरह आलसी है वो ऐसे कप होल्डर वाला खरीद सकता है, इस तरीके से आराम से रख सकता है, बेस्ट क्वालिटी 2 से 3 महीने तक आराम से चल जाता है। सबसे पहले अब देखिए आप ये लेदर इस पर चढ़ा दिया है, इसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे, ये क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो रहा है? एक्टिवेट नहीं हो रहा है, खाली होता है इसमें बेस मॉडल में, ठीक है। तो इसका जो MID बटन है वो चलता है, और दोनों पियानो में चाहिए था इनको, क्योंकि टॉप में पियानो होता है, दोनों पीस चेंज होता है। इसका पियानो साथ साथ ये किया गया है, इसमें मैट आता है। ओके पियानो ये किया गया हुआ है, ये मैट आता है। इसके बाद स्टूडियो का फ्रेम भाई पूरा बिल्कुल प्रॉपर ऐसे लग रहा है टॉप ब्रांड जैसी लुक,
और इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है, 3D व्यू आप इस तरीके से देख सकते हो भाई। ऑडी मर्सिडीज आपकी जैसी आती है ना बनके, सेम गाड़ी का कलर भी चेंज होता है। तो ये स्टीरियो में कॉम्पेटिबिलिटी मांगती होगी भाई ये वाली चीज तो। हाँ, स्टीरियो में होना चाहिए कि 360 सपोर्टेड है कि नहीं है। तो ये शीशों के ORMs के नीचे रहना चाहिए। ओंक्यो कौन सा ब्रांड है ये? जापानीज कंपनी है। बढ़िया है ये, इसकी डिमांड अच्छी है। अच्छी है। 21,000 रुपए से स्टार्टिंग है। इसमें कारप्ले वगैरह भी चलता है? कारप्ले वायरलेस है, एंड्रॉइड ऑटो भी वायरलेस है। फ्रेम लेना पड़ता है इसका, 9 इंच का फ्रेम है जो कंपनी फिटेड फ्रेम आता है उसमें लग जाता है। ये बाकी मैट फ्रेम था तो इसको हमने टॉप उन्होंने पियानो आता है तो हमने पियानो किया। यार ये इसका मीटर नहीं आ रहा क्या अभी फिलहाल? मीटर नहीं बदल रखा क्या? नहीं, मीटर अभी नहीं आया। मेरी चीज है जो उसका ग्रैब पैनल जो चेंज है इसमें नहीं आता है जो है। वाओ। अच्छा आप मेरे को बता रहे थे इंटीरियर में सबसे महंगा पार्ट कौन सा है इस गाड़ी का, वो बताओ आप जो ओरिजिनल महिंद्रा का है। बेटे ये ओरिजिनल सोनी का रख दिया क्या? सोनी का ओरिजिनल जो टॉप मॉडल में लग के आता हो, मतलब ये आपने सब ऊपर रखा है क्या इसके अंदर? इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जाली रहता है। आपको 4 इंची का इसके अंदर सब ऊपर नहीं लगता, 4 इंची का स्पीकर लगता है। तो कस्टमर का डिमांड होता है कि मुझे जब सारा गाड़ी बनवा लिया तो सोनी के बैजिंग के लिए मुझे जाली लगवाना है। सिर्फ जाली जाली का जो इसकी कॉस्ट है 9,000 रुपए है। इस जाली की कॉस्ट 9,000 रुपए? हाँ, बस जाली की। जाली जो ये फट्टा लग के ये लगता है, बस इसका 9,000 रुपए कॉस्ट है। क्या है भाई इसके अंदर, मतलब कोई स्पीकर हो कुछ हो तो जानी भी जाए? नहीं नहीं कुछ है, सिर्फ जाली जाली का कॉस्ट है। तो ये कस्टमर जब भी लगवा लेते हैं भाई क्या करते हैं बिहार वाले भाई? बिहार वाले नहीं, आप भी लगवाते हैं यार? अच्छा जी। यार भाई मोटा पैसा है यार बिहार वालों पे। सोनी का नाम है बस इसलिए भाई। नो देखना, ऐसी तो कोई हाई फाई क्वालिटी भी नहीं और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये हटके लग जाती है। बस हटके लग जाता है बस। सबसे पहले जो इसका चाबी है ना, कोडिंग करा के, जो ओरिजिनल महिंद्रा का चाबी है जो आउटर मार्केट नहीं, तो हम चाबी बना के साथ में दिए हैं। जैसे कंपनी से चाबी आता है ये वाला, सेंट्रल लॉक का कुछ नहीं होता है। देख, कंपनी से जेट टू कोई भी परचेज करते है चाबी ऐसा मिलता है बेस मॉडल में, ठीक है, टॉप मॉडल में चाबी ऐसा मिलता है। ये नहीं कि आउटर मार्केट, ओरिजिनल महिंद्रा का है नए लोगों के साथ। तो ये आप खुद करवा के दे देते हो? खुद करवा के देते हैं क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग तो इसमें आती है, बस हमको कोडिंग करानी पड़ती है। कोडिंग करवाने की पड़ती है, ये फ्लिप की लेना होता है और इसमें से चाबी खोल के इसमें लग जाता है बस। और वो तो महिंद्रा में चार्जेबल रहता होगा ना, वो कोडिंग करवाना? तो कोडिंग करवाना हमारे फ्री होता है, हम फ्री करवा के देते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। आप फ्री करवाते हो? हाँ, जो कंपनी अगर कोई काम करवाने आते हैं तो कोडिंग जो भी काम करवाते हैं तो सिर्फ फ्लिप की का पैसा देना पड़ता है। दिवाली ऑफर भी कुछ निकाल रखा है फिलहाल? हाँ, दिवाली ऑफर निकाल रखा क्रेटा में, ओरिजिनल पार्ट पे क्रेटा में दिवाली तक एक्स्ट्रा 20%, स्कॉर्पियो वैन में 10%। पियानो नहीं आता, मैट आता है, अजीब सा लगाता है इसको पियानो के। सॉफ्ट टच नहीं आता, हार्ड प्लास्टिक आता है। सीट कवर सबसे बड़ी जो हम क्रेटा में लगाते आ रहे हैं वही क्वालिटी का सीट कवर लगाया है। बहुत हाई फाई लग रहे हैं सीट कवर भाई, लेदर फिनिश एकदम। सबसे बड़ी चीज तो सॉफ्ट है, सीट कवर है। सेम क्वालिटी का अगर लेते हैं जी तो आपको 17,000 रुपए पे करना पड़ेगा। सेम कंपनी सेम चीज लेते हो तो, अगर आपको सेम डिजाइन अगर अलग हल्की क्वालिटी में लेते हो तो 12,000 का भी लग जाता है, 10,000 का भी लग जाता है। क्वालिटी के ऊपर सारा मेजर करता है कि मुझे कितने का सीट कवर चाहिए, क्या चाहिए। निको भाई फटते वटते तो नहीं है ना? 5 साल की वारंटी होती है सीट को। और स्पीकर कौन सा लगा है? स्पीकर बज गए, इसमें फोकल का लगा हुआ है, इसके अंदर डैम्पिंग किया हुआ। सबसे चीज मेन चीज बताना भूल गया, एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर ना कंपनी से बूफर लगा था टॉप मॉडल में, यहाँ पे हमने बूफर भी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। पूरा खोल के इसको अंदर ही, पूरा पक्का खोल के रिंग लगता है, रिंग लगा के रिंग करके जो आवाज ना करे, इसके बाद बूफर इसके अंदर लग चुका है। वो तो बड़ा ही बूफर दिख रहा है भाई साहब। हाँ, JBL का 12 इंची का, 12 इंची का JBL का लग गया इसके अंदर। इतना स्पेस भी है इसके अंदर उधर। अच्छा जी, मतलब ऐसे आवाज तो नहीं करता फिर? नहीं, कुछ नहीं आवाज करता, ओरिजिनल वाला सिस्टम है पूरा। हाँ, बिल्कुल। फिर एम्प वेम कहाँ? एम्प तो सीट के नीचे लगता है। और ये वाइपर क्या बदला है आपने? ये वाइपर में क्या जरूरत पड़ गई? जैसे हम क्रेटा में असेंबली चेंज करते हैं ना, हाँ, ऐसे इसका भी असेंबली चेंज होता है। ये वाला पीस ऐसे आता है, इसको चेंज करके ना ओरिजिनल महिंद्रा के लगाया जाता है जिससे वाइपर चले। अच्छा, रियर वाइपर का? हाँ, क्योंकि इसमें रियर वाइपर का ऑप्शन नहीं है। अब कंपनी से क्या आता है, जो यहाँ पे आता है MID का एक स्टीयरिंग का बटन आता है, यहाँ पे खाली था, ये आ गया पियानो में और ये बटन आ गया यहाँ पे। वही वाला कपलर वगैरह लग जाता है? हाँ, सारा कपलर वगैरह सेम लग जाता है। और यहाँ पीछे भी वही प्रॉपर ये सारी चीजें बदल दी गई है, ग्रैब हैंडल हो गया हमारा, ये सारा सिस्टम हो गया, ये पियानो ब्लैक फिनिश हो गई, और ये भी पूरी मैट्स उसी कलर में आपको मिल जाते हैं जो मैट्स वगैरह होते हैं। AC वेंट्स और टाइप सी जो पोर्ट है वो आता ही है। तो अब एक चीज और बताओ निकू भाई, अब जैसे इसमें हमने सारी चीज तो बदल दी, यहाँ पे इसमें इंजन की पावर भी बदल सकती है? नहीं, नहीं। जो ऊपर वाले Z4 Z6 में होता है ये वो नहीं बदल पाएंगे। इंजन का काम छोड़ के सारा काम हो जाएगा, जो भी आप बोलो। हाँ, कुछ भी पियानो करवाना बोलो, हाँ हो जाएगा। ओके, ग्रैब हैंडल वगैरह का क्या प्राइस रहेगा भाई इसका और बता दो थोड़ा? 2800। तो अब मेरे को बताओ क्या कॉस्टिंग बैठती है भाई, जिसको A to Z काम करवाना हो, Z2, क्योंकि 16.5 लाख रुपए में Z2 लेने में कोई बुराई नहीं है भाई। गाड़ी बनाने में Z2 अगर पूरा ओरिजिनल महिंद्रा का काम करवाते हैं 2 लाख में तैयार होगी।
2.5 लाख तैयार हो। म्यूजिक का शौक आपका अपना रहेगा, अगर आप चेंज नहीं करवाते हो, टच चेंज नहीं करवाते हो, कोई कंपनी देती है, अगर आप बाहर का लाए का लुक लेते हो, मिरर फोल्डिंग का ओरिजिनल पार्ट का लुक लेते हो, इतने तक गाड़ी तैयार हो जाती है। वाइपर वगैरह कितने में चेंज होता है भाई? वाइपर 13,500 रुपए में। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या चेंज करवाना चाहते हो, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती तो करते नहीं है भाई। जैसे मैंने लाए का रेट बताया, टायर आपको कौन सा लेना है। अब मैं मान लिया आपको म्यूजिक एक स्पीकर 1,00,000 का आता है, 50,000 का आता है, 33,000 का आता है, तो बजट के हिसाब से आपका बजट बढ़ता है। आपको जितने में गाड़ी तैयार, कम से कम अगर आपको जेडेटल पूरी बनानी ओरिजिनल पार्ट का, तो 2,00,000 रुपया तो लगना ही है। 2,00,000 तो लगेगा ही लगेगा भाई, मिनिमम इतना तो लेके आए, क्योंकि आपको वो ओरिजिनल वाली लुक अगर चाहिए तो भाई कहाँ पे आना पड़ेगा निक्कू भाई। यार इतने फोन पे फोन आपके बजते रहते हैं, फोन उठा तो लेते हो आप? हाँ उठा लेते हैं। निक्कू का डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज करोलबाग, तो वहाँ पे आके भाई आप अपनी स्कॉर्पियो इनको चाहे कोई सा भी वेरियंट Z4, Z6, Z8 हर गाड़ी की, उसमें आपको सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी। कि पूरा ही काम करो, जितना आपका मन है उतना ही काम करो, इन्हीं की हम पूरा ही काम करेंगे। Z2 लाते तो पूरा ही काम करेंगे, तो गाड़ी बनाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 आइटम लगाना है तो 5 आइटम लगाओ, पूरी गाड़ी बनानी तो पूरी गाड़ी बनाओ। बिल्कुल भाई, लाइक करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।